दिस न्यूज इज ब्रॉट बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। राज बदल दो, तख्त बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, मेहमानों का राज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल। जिला कुल्लू में कांग्रेस पार्टी ने देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। मुख्यालय स्थित अखाड़ा बाजार रामबाग से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। इस रैली में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर, प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री, विधायक सुंदर सिंह सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो इस देश में चल रहा है, जो आरएसएफ आ रहा था, आरएसएफ के माध्यम से हमारे किसान त्रस्त होने वाले थे, उसके खिलाफ जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन के खिलाफ जो बेरोजगारी है उनके खिलाफ, और जो किसानों की जो आत्महत्या हो रही है उसके, किसानों का डिस्ट्रेस के खिलाफ हम एक लोगों में जागृति करेंगे। और उसके लिए हमारा जो काम लोगों ने दिया है विरोधी पार्टी के रूप से लोगों तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारी पीड़ा क्या है, जिनके हाथ में झंडे और तख्तियां हैं वो गाड़ी में डाल दो। मैम किस तरह से ये सरकार जो है रोजगार देने के मसले में पूरी तरह फेल हो गई। एक तो पुलिस भर्ती में जिस ढंग से पैसा चला और बाहर से पेपर हल करने वाले जो है सॉल्वर मंगाए गए और वो एग्ज़ाम में बैठ गए और लाखों रुपया जो है अभ्यर्थियों से लिया गया और हज़ारों अभ्यर्थी एक ही स्थान पे बिठा दिए गए, और पहली दफ़ा हिमाचल के इतिहास में हुआ है कि पुलिस की नौकरियां बिकी हैं। और उसके बाद सचिवालय में जो अभी भर्तियाँ हुई उसमें सारे गैर हिमाचली भर दिए गए। हम इसका विरोध नहीं करते, लेकिन आप सारे ही उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग भर दें, ये जो है हिमाचलियों को शायद कभी भी मंजूर नहीं होगा। और उसके बाद अब कर दिया कि जो टीचर्स की भर्ती आई है उसमें भी ये कह दिया कि बाहर के लोग जो है अपीयर हो सकते हैं, तो हिमाचलियों को ना नौकरियां मिलेंगी, हिमाचलियों की ज़मीनें आप बेच देंगे। और तो हिमाचल के हितों के लिए ये सरकार कर क्या रही है, कोई ये भी जो है प्रकाश तो डाले मुख्यमंत्री सर। धर्मशाला साल का जो भी कार्यकाल रहा है जयराम जी का, वो बिल्कुल निराशाजनक। आप देखेंगे तरक्की के काम जो है सारे बंद पड़े, उन्हीं कामों के उद्घाटन हो रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के समय श्री वीरभद्र सिंह जी के समय हुए थे। और आज सबसे दुख स्थिति यह है कि हिमाचल जो है जो देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा है, पहले त्रिपुरा, हरियाणा, फिर हिमाचल। हिमाचल में नौजवानों के पास रोजगार नहीं, और तीसरा जो है हिमाचल जो है कर्जे पे चल रहा है, लगभग 60,000 करोड़ का कर्जा पहुंचने वाला है। और जब से जयराम जी बने 4,000 करोड़ का कर्जा ये ले चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सबसे जो भयानक स्थिति मुझे लग रही है वो हिमाचल के जो नौजवान हैं वो नशे की गर्त में जो है फंसते जा रहे हैं, नशे का कारोबार बढ़ा है। और आए दिनों हम देखते हैं कि चिट्टे के साथ जो है छोटे छोटे जो नौजवान हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सौदागर हैं, उन पर ये सरकार हाथ नहीं डाल रही। तो हमें इस बात का संशय कि या तो पुलिस प्रशासन कमज़ोर है, मुख्यमंत्री का पुलिस प्रशासन पे नियंत्रण नहीं है, या कहीं ना कहीं जो है मिलीभगत है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि 2 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल निराशाजनक है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए कुल्लू से मोहन सिंह पुजारी के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा। आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।